वेलकम बैक फ्रेंड्स, आज है फ्राइडे और कुछ पकाते हैं। चलिए करते हैं कुछ भेजा फ्राई। वेलकम टू माय चैनल क्राफ्टर गुरु और मैं हूँ आपका दोस्त रजनी। तो चलिए आज मैं एक ऐसी स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ जिसे आप सुनकर हैरान हो जाएंगे, एक हॉरर स्टोरी। तो चलिए शुरू करते हैं। सुनसान रास्ता था, न कोई आदमी दिखे न कोई जानवर। एक आदमी अपने शहर से जंगल की तरफ बढ़ रहा था, तभी उसकी अचानक गाड़ी खराब हो जाती है और रुक जाती है। आदमी ने नीचे उतरकर गाड़ी चेक की, खराब थी। फिर वो इधर उधर ढूंढता है तो उसको एक मठ नजर आता है, कुटिया नजर आती है जंगल में। वो दरवाजे के पास जाता है और दस्तक देता है, कहता है, मेरी गाड़ी खराब हो गई है, क्या मैं आपको थोड़ी सी तकलीफ दे सकता हूँ? क्या एक रात के लिए मैं यहाँ रुक सकता हूँ? और वो कुटिया थी एक भिक्षुकों की, साधुओं की। भिक्षुकों ने उसे विनम्रपूर्वक स्वीकार किया, रात का खाना भी खिलाया और कार भी ठीक कर दी। जैसे ही सुबह होती है वो आदमी निकलने के लिए तैयार हो जाता है, तभी उसको एक अनजान सी आवाज़ सुनाई देती है। वो आदमी भिक्षुकों को पूछता है कि आवाज कैसी है। भिक्षुक कहती है कि हम आपको नहीं बचा सकते। तो वो आदमी भिक्षुकों को धन्यवाद देके फिर अपने रास्ते निकल पड़ता है। बहुत साल बीत गए, फिर उसको अचानक वो रात याद आ गई और वही सब उसके सामने आने लगा। तो अगली सुबह वो निकलता है उस भिक्षुकों के पास, भिक्षुकों की कुटिया के पास जाके दस्तक देता है और बोलता है, मैं वही आदमी हूँ जिस दिन मैं यहाँ रात रुका था और आपने मेरी कार सही कर दी थी। तभी अचानक से वही वापस आवाज आती है जो उसने सालों पहले सुनी थी। दूसरी सुबह वो पूछता है कि ये क्या है। भिक्षुओं का जवाब है, हम आपको नहीं बता सकते क्योंकि आप भिक्षुक नहीं है। मैन कहता है, ऑल राइट, मुझे पता है मैं अब मरने वाला हूँ, लेकिन अब मेरे पास कोई चारा नहीं है। मुझे ये जानना ही है कि ये आवाज़ कैसी है। अगर कोई रास्ता है तो प्लीज़ मुझे बता दीजिए ताकि मैं वो आवाज़ का पता लगा सकूँ, क्योंकि इतने सालों बाद भी मुझे वो आवाज़ क्या है वो खटकता है। भिक्षुक लोग बताते हैं, अगर आपको रास्ते का पता ही लगाना है तो आपको भी भिक्षुक बनना पड़ेगा। बोले आदमी ने बोला कि मैं कैसे भिक्षुक बन सकता हूँ। भिक्षुक बोलते, आपको पृथ्वी की यात्रा करनी पड़ेगी और कितने घास के तिनके हैं और कितने कंकड़ हैं वो सटीक संख्या आपको नंबरों में लानी होगी और तुम साधु बन जाओगे। जो आदमी है वो बोलता है, ठीक है मैं जा रहा हूँ। कई सालों बाद वो फिर मठ में लौटता है और दरवाजे पे दस्तक देता है। वो कहता है, मैंने पृथ्वी का हर भ्रमण किया और जो आपने मांगा था वही पाया है, ये रहा उसका आंकड़ा, 1 4 5 2 3 6 2 8 4 2 3 2, ये घास की संख्या है और पृथ्वी पर जितने कंकड़ है 2 3 1 2 8 1 2 1 9 9 9 9 1 2 9 3 8 2, ये रेत के कंकड़ है। उन साधुओं ने उसको बधाई दी और बताया, आप अब भिक्षुक हैं और हम आपको ये आवाज का रास्ता दिखाएंगे। भिक्षुक मनुष्य को एक पत्थर के दरवाजे पे ले जाते हैं और दरवाजे के पास वही
आवाज गूंजती रहती है। उसने बोला कि लेकिन ये तो दरवाजा बंद है। वो कहता है मेरे पास चाबी है। भिक्षु उसे चाबी देते हैं और वो पत्थर का दरवाजा खुल जाता है। उसी तरह एक उसके पीछे एक और दरवाजा निकलता है, सोने का दरवाजा। पत्थर के दरवाजे के पास जो चाबी है उससे वो सोने का दरवाजा खोलता है। सोने के दरवाजे की चाबी से एक और दरवाजा खुलता है। जैसे जैसे वो अंदर जाता गया, एक के बाद तीन चार दरवाजे खुल गए। अंत में उसको वो अंतिम द्वार मिल जाता है और वो आदमी अंदर चला जाता है। भिक्षुकों का शुक्रिया अदा करके वो अंदर चला जाता है और आदमी को बहुत राहत मिली। उसने भगवान का शुक्रिया किया कि मुझे ये रास्ता दिखाने के लिए शुक्रिया, मैं एक साधु बन गया और मुझे मोक्ष का रास्ता भी मिल गया। लेकिन मुझे लगता है कि आप भी वो दरवाजे के पीछे क्या है वो जानने के लिए उत्सुक है। लेकिन आई एम वेरी सॉरी मेरे यार, नहीं बसा सकता क्योंकि आप भिक्षुक नहीं है। इसके लिए आपको भिक्षुक बनना पड़ेगा। तो चलिए जाइए, पृथ्वी का चक्कर लगाइए, कंकड़ और ग्रास के तिनके का काउंटडाउन कीजिए और वापस आइए मेरे साथ। मैं हूँ आपका दोस्त रजनीश और आप देख रहे हैं मेरी यूट्यूब चैनल क्राफ्टर गुरु। तो मिलते हैं अगले सप्ताह। थैंक यू।